नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं ऐसे एक वीडियो लेके आया हूँ जिस वीडियो से आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। इस वीडियो की टॉपिक है, इस बार जो कोविड-19 के वजह से ACS की जितना भी स्टूडेंट था सबको पास कर दिया, तो आप लोग तो पास किया लेकिन एडमिशन किस तरह से लोगी, क्योंकि कॉलेज तो अब बंद है। तो आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन पे एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ऑनलाइन कैसे आप एडमिशन लोगी, कौन सा कॉलेज पर लोगी, इस बारे में आज आप लोगों को दिखाऊंगा एंड बताऊंगा किस तरह से आप कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये चैनल पर नए आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग मोबाइल से भी कर पाओगे, और आप लोग के पास अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप है उस पर भी कर सकते हो। तो मैं मेरा लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखा, तो मेरे लैपटॉप की क्रोम ब्राउज़र पे जाके मैं दिखाऊंगा। तो आप लोग देखिए, वीडियो ज़रा सी स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप देखना। तो देखिए, तो पहले दोस्तों मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, मेरा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया। होने के बाद सर्च बॉक्स पर मैं सर्च करूँगा। आप जिस भी कॉलेज पर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना, www.com कॉलेज के नाम बाद में .in लिखकर सर्च करना। तो मेरा यहाँ पर खारबिटिया कॉलेज है, उस पर दिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोग देखिए मैं कैसे सर्च करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों के सामने इस तरह की कॉलेज की वेबसाइट आ जाएगा। आने के बाद आप इसको डाउन करके देख लीजिए, साफ है कितना सीट, कितना क्या सब इस पर दिखाई देगा, उस कॉलेज पर कितना सीट स्ट्रीम की। तो इस तरह के आने के बाद आप लोग देखिए एडमिशन कहाँ पर होना है, एडमिशन की लिंक यहाँ पर क्लिक कीजिए। करने के बाद देखिए, करने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने इस तरह के आएगा। आने के बाद देखिए यहाँ पर लिंक है, ऊपर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं कैसे करता हूँ, आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोगों का नेम लिखना होगा। तो मैं मेरा नेम लिख कर आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाद में आप लोगों को जो व्हाट्सएप नंबर है वो देना होगा। देने के बाद आप लोगों के ईमेल एड्रेस देना होगा। बाद में आप लोगों के जो यूनिक आईडी क्रिएट करना होगा वो देना होगा। बाद में पासवर्ड देना होगा। दोस्तों आप लोगों के सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, एप्लीकेंट लॉगिन इस तरह की आएगा। आने के बाद आप लोग जिस मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया है उसको यहाँ पर ऊपर टाइपिंग करना पड़ेगा। नीचे जो दिखाई दे रहा है पासवर्ड, ऊपर पासवर्ड टाइपिंग करना होगा। तो मैं टाइपिंग करके आप लोगों को लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी लॉगिन कर लीजिए। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद आप लोग का सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। आपका जो भी नाम है यहाँ पर दिखाई देगा, आपका प्रोफाइल यहाँ पर, आप प्रोफाइल एडिट भी कर सकते हैं, पास सेंस पास कर सकते हैं, लॉगआउट भी कर सकते हैं। तो आपका जो नाम है यहाँ पर टाइपिंग कीजिए, यहाँ पर फादर्स नेम टाइपिंग कीजिए। करने के बाद यहाँ पर आप लोग कौन सा स्ट्रीम पर एडमिशन लेना चाहती है, आप लोग कॉमर्स आर्ट्स या बैचलर ऑफ वेकेशन, बहुत कुछ है। तो आप लोग जो भी एडमिशन लेना चाहती है तो कीजिए। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन लेना चाहती है तो आप आर्ट्स पर क्लिक कीजिए।
बैचलर ऑफ आर्ट्स पर क्लिक कीजिए। करने के बाद आप यहाँ पर मदर्स नेम टाइप कीजिए, यहाँ पर मदर्स नेम देना होगा। तो देने के बाद आप नीचे आइए, यहाँ पर लोकल गार्डियन नेम देना होगा। आपका आप फादर का नाम भी दे सकती है, ब्रदर का नाम भी दे सकते हैं, सिस्टर का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर देने के बाद यहाँ पर गार्डियन एड्रेस दीजिए, आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पर दीजिए। देने के बाद यहाँ पर पेरेंट्स गार्डियन ऑक्यूपेशन, आपका आप जो भी गार्जियन का नाम दिया है, आपका जो गार्जियन है उसका क्वालिफिकेशन देना होगा, कितना पढ़ाई किया है वो देना होगा। देने के बाद आपका आपके फादर की इनकम कितना है वो देना होगा, यहाँ पर कितना इनकम है ईयरली, 50,000 टू 1,00,000 जितना भी है आपका फादर की इनकम वो दे दीजिए दीजिए यहाँ पर, जितना भी इनकम है यहाँ पर दीजिए। देने के बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिए, जो भी है आपका डेट ऑफ बर्थ। देने के बाद यहाँ पर आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी है दे दीजिए। देने के बाद यहाँ पर आप ब्लड ग्रुप दीजिए, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है दे सकते हैं यहाँ पर। देने के बाद यहाँ पर नेशनलिटी इंडिया लिखा होगा पहले से यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो भी मदर लैंग्वेज है वो देना होगा, अगर आप एसामिस है आपका मदर लैंग्वेज तो आप यहाँ पर एसामिस दीजिए, अगर आपका हिंदी है तो आप हिंदी दे दीजिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारा लैंग्वेज है, आपका जो भी लैंग्वेज है आप दे सकते हैं, बंगाली बोडो हिंदी जो भी है आप लोगों के मदर लैंग्वेज आप दे सकती है। देने के बाद यहाँ पर आपका रिलीजन सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी है मुस्लिम हिंदू सिख अदर्स जो भी है दे दीजिए। देने के बाद जो भी है दे दीजिए। देने के बाद आप नीचे आइए, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपका जो भी कैटेगरी है दे दीजिए, जनरल ओबीसी एमओबीसी एचसी जो भी है, तो मैं जनरल दे दूंगा। देने के बाद नीचे देखिए परमानेंट एड्रेस, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो दीजिए। यहाँ पर ब्लेस दीजिए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर पिन नंबर दीजिए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है दीजिए। देने के बाद यहाँ पर स्टेट दीजिए, देने के बाद यहाँ पर पिन नंबर दीजिए। देने के बाद आपका यहाँ पर देने के बाद अगर आपका दोनों एड्रेस सेम ही है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। करने के बाद ऊपर परमानेंट एड्रेस जो भी है आपका नीचे भी वही शो होगा। होने के बाद आप नीचे देखिए एकेडमिक डिटेल्स, यहाँ पर आप अगर आप बीए एडमिशन लेना चाहती है तो अगर बीए एडमिशन लेना चाहती है तो आप यहाँ पर हायर सेकेंडरी जो पास किया वो बोर्ड का नाम देना होगा, ये नाम देना होगा। अगर आप HSLC पास करके फर्स्ट ईयर एडमिशन लेना चाहती है तो आप यहाँ पर सेवा देना होगा, आपको यहाँ पर सेवा देना होगा। अगर आप CBSE बोर्ड से पास किया तो आप CBSE दे सकती है, आपका जो भी बोर्ड है वो दे सकती है। आप कौन सा ईयर पे पास किया वो देना होगा यहाँ पर आपका रोल नंबर, यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट का नेम, कौन सा इंस्टीट्यूट से आप पास किया उसका नेम देना होगा। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आप कौन सा सब्जेक्ट पर कितना नंबर मिला आपको वो देना होगा, इंग्लिश असमिस ये तो पहले से रहेगा, और बाकी तीनों सब्जेक्ट का नेम यहाँ पर आपको देना होगा। पहले से
रहेगा यहाँ पर, आपका जो भी सब्जेक्ट था आप सिलेक्ट कर लेना, 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। लेने के बाद कौन सा सब्जेक्ट पे आपको कितना मार्क मिला यहाँ पर दीजिए, आपको कितना नंबर मिला आप यहाँ पर दीजिए। देने के बाद आपको आ जाएगा, अपना आप आ जाएगा। बाद में आप नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद देखिए आप कौन सा मीडियम पर एडमिशन लेना चाहते हैं, एसामिस या हिंदी। तो मैं एसामिस दे दिया। आप कौन कौन सब्जेक्ट लेना चाहती है तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। दे दीजिए, 2 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद यहाँ पर नो ही रहने दीजिए, वही रहने देती हूँ। आपका एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो बॉक्स है, बॉक्स खरीदने के लिए आपको सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा, 2000 या 1500 मिलेगा, इसलिए आपको बैंक अकाउंट देना होगा। आपका जो भी बैंक पर पासबुक है वो बैंक सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद यहाँ पर ब्रांच के नाम सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आईएफएससी कोड और यहाँ पर अकाउंट नंबर। तो दोस्तों ये सब देने के बाद आप नीचे देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा और कितना एमबी के साइज़ होगा, तो 200 KB साइज़ बना लेना पड़ेगा आप लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पर आप लोगों के एक फ़ोटो अपलोड देना होगा। तो किस तरह के अपलोड दोगी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, देखिए। लेने के बाद आप सोर्स फाइल पर क्लिक कीजिए, किस तरह के डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है वो दिखा देती हूँ मैं। सोर्स फाइल पर क्लिक करने के बाद इस तरह के आएगा। आने के बाद मैं कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, यही फ़ोटो दिखा देती हूँ मैं। तो देखिए इस तरह के आपके सामने आएगा अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया तो। बाद में आप लोग यहाँ पर मार्कशीट डाउनलोड अपलोड दीजिए, यहाँ पर नीचे आप लोग यूनिक आईडी अपलोड दीजिए, यहाँ पर आपकी SSLC एडमिट या बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड देना होगा, यहाँ पर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप OBC MOBC SC हो तो, जनरल के लिए नहीं देना होगा। तो दोस्तों नीचे देखिए अगर आप लोग फिजिकली प्रॉब्लम है तो आपका ये आप लोग यहाँ पर फिजिकली प्रॉब्लम की जो सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड देना होगा यहाँ पर। अगर आप पहले गैप गैप दिया तो यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। करने के बाद आप लोग यहाँ पर सबमिट कीजिए। सबमिट करने से आपका सबमिट होने के बाद आप लोग यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन लिखा है, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग जो भी फॉर्म फिलअप किया है उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना है। लेने के बाद वो आपका पास रख दीजिए, जब कॉलेज खुला होगा तब कॉलेज पे जमा दे देना। तो इस सब करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो नाम है, यहाँ पर जाने के बाद लॉग आउट है, लॉग आउट कर लीजिए आप। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो पर एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों का अच्छा लगा। अगर दोस्तों फिर एक बार बताना चाहती हूँ आप लोगों को, अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।